ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने डबरा में सरकारी कृषि खरीद केंद्रों यानी सोसाइटी का निरीक्षण किया। उन्होंने डबरा में पिछोर रोड पर स्थित वेयरहाउस का निरीक्षण किया, जहां सरकारी खरीदी की सोसाइटी है। इसी क्रम में सिमरिया सहित सरकारी खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से जानकारी ली। उन्होंने दिल्ली आ रहे पैदल मजदूरों की भी जानकारी ली। ज्ञात हो डबरा के चांदपुर क्षेत्र में सिंध पुल पर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से 500 मजदूरों को उनके घर तक बस से पहुँचाया जा रहा है। इस पर खुद ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नजर बनाए हुए हैं। यह बात दबंग न्यूज के ब्यूरो चीफ ग्वालियर चंबल संभाग मनोज चतुर्वेदी से विशेष बातचीत में कही। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी दबंग न्यूज चैनल के लिए इस समय डबरा में हूं, जहां पे ग्वालियर कलेक्टर श्री कौशलेंद्र सिंह जी हैं, जो इस समय वेयर हाउस वगैरह पे और दौरे पे सर्वे कर रहे हैं। जो कोई समस्या नहीं है उस पर निगरानी बनाए रखे हैं डबरा के दौरे पे। आइए मैं मिलवाता हूँ कौशलेंद्र सिंह जी, कलेक्टर ग्वालियर। आपका जो डबरा इस समय निरीक्षण कर रहे हैं दौरा, उसमें नहीं है अभी किसानों की खरीदी हो रही है, तो किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उसके अलावा उनके लिए पानी की व्यवस्था रहे, उनके लिए कुछ चने की व्यवस्था रहे, उनको छाया की व्यवस्था रहे, वहाँ पे उनसे सही तौल हो, समय पे तौल हो, अव्यवस्था ना हो, उन सब चीज़ों का हम निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम संबंधित व्यक्ति हमको उसके लिए। जैसा कि आप बैकग्राउंड में आए निरीक्षण करते हुए, पूरे पहले से ही तैयारी कर लेते, तो इस समय कोई कमी नहीं? जो जो हम केंद्र पे जा रहे हैं, जो चैनल के सबसे कहते हैं कि वहाँ पे अभी सारी व्यवस्था नहीं है, तो उसकी तत्काल व्यवस्था को पूरा करके खरीदी को तीव्र करने के लिए देते हैं, और अगर कोई इसमें लापरवाही करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रश्न और है, जैसे वर्तमान में कोरोना की स्थिति में आप देश है और आप भी अपने वाले क्षेत्र में निगाह रखने में निगरानी कर रहे हैं, बचपन में तो वर्तमान की स्थिति में आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, तो क्वारंटाइन करना है। सभी लोगों से अपील है कि अगर कोई बाहर से आता है तो तत्काल तहसीलदार एनजीओ की कुछ सूचना दें, और ना तो घरों से बाहर निकलें जब तक आवश्यक काम ना हो, घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। अगर कोई जुकाम बुखार सर्दी खांसी के लक्षण हैं तो तत्काल अपना फीवर क्लिनिक में जाके हेल्थ चेक करें। एसडीएम डबरा राघवेंद्र पांडे ने बताया कि अभी तक 10 बस से 520 मजदूरों को आज रवाना कर दिया गया है। यह है रीवा पन्ना छतरपुर सतना सहित अन्य स्थान के हैं। अभी और लोगों के आने की संभावना है। टीम में डबरा तहसीलदार नवनीत शर्मा, सीएमओ प्रदीप भदौरिया, दुबे टीआई यशवंत गोयल, पटवारी भगत कार्य कर रहे हैं। वो टीकमगढ़, पन्ना, दमोह और सतना, इन जिलों में के बहुत सारे मजदूर यहाँ फंसे हुए थे, जो दतिया से भी लौटा दिए थे, झांसी से भी लौटा दिए थे। इन सबको हमने रोक के 13 बसें अब तक रवाना कर चुके हैं, दो से और तैयार हैं। सबसे अधिक सतना और पन्ना से गए हैं यहाँ से, सबको धीरे धीरे करके रवाना कर रहे हैं, सारी व्यवस्था भी। वर्तमान में तो आज के जो हमारा टारगेट है पूरा हो गया है, कुछ यूपी के लोग भी यहाँ रुके हुए हैं, तो हमारी बिजली की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार पंद्रह बसें हमने बढ़ाना चुके हैं, जैसे बिजली भी कोई बुला पड़ता होगा तो देखेंगे, लेकिन बिजली वाले बोल रहे जैसे। हाँ, इनकी व्यवस्थाओं के लिए बोला कि जिस जिले में जा रहे हैं उस जिले को सूचित कर दें। तीन बस निकाल लें, उसके बाद पन्ना वाले ड्राइवर तैयार हो, बस अपनी तैयार करें और उनको रवाना करना शुरू करें। बाहर से आए हुए, दिल्ली से आए हुए 500 मजदूर, पन्ना के ड्राइवर अपनी बसों को स्टार्ट करें और लेके जाएं। 500 मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक है ना पहुंचाया जा रहा है, जिसके कवानी कलेक्टर के निर्देशन पे डबरा पांडे की टीम के द्वारा और साथ में तहसीलदार अपनी सभा वगैरह सब लगे हुए हैं। ये सामने आएंगे कम से 500 लोग हैं, जिसमें से अभी पहला जो तीन गाड़ियों में पन्ना के लिए जाए किया जा रहा है, पन्ना छतरपुर वाले का एक ग्रुप है, तीन गाड़ियों में। अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि बताएं कि ये तीन मतलब हैं, उनको माध्यम से सभी को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की पहल हो रही है कि कोई रह न जाए, और जो पैदल आ रहे थे दिल्ली से आए 500 करीबन मजदूर जिनको यहाँ रोका गया है जी, उनको सभी को ना क्या कहते हैं भेजा जा रहा है, और जो कि ये बसों में सब मजदूरों के लिए के व्यवस्था करके बाकी तक उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचे, उसकी पूर्व प्रशासन के द्वारा तैयारी के साथ कराए। अभी तीन बसें भेजी जा रही हैं, तीन बसों में अभी 1 से 20 लोग करीबन हैं, डिस्टेंस बना के जिनका होना चाहिए उसके हिसाब से रखा जा रहा है।
लेकिन ये बसें लगी हुई हैं सबों को, ये बस सेवा है, ये आपके अलग उसके रूप में राजमान किया गया है। जैसे ये ना पन्ना की दो तीन बसें पन्ना के लिए जा रही हैं, बाकी भी आपके सतना शहर और रीवा उनके लिए भी अलग उदय, और शाम तक करीबन तीन चार घंटे बाद तक 520 मजदूरों को जिनको यहाँ रोका गया उनको रवानगी डाल दी जाएगी। बसों का दिखाएँ और साथ में जी जो लेबर है वो इस तरह से यहाँ पे लेबरों को पानी वाने की व्यवस्था और कुछ भी है सारे उनको तैयारी करके वहाँ से बिल्कुल कोई बहुत परेशानी ना हो ध्यान में रखते हुए भेजा जा रहा है। जैसे ये बसें हैं अभी बस रवानगी हो गई है, उनको रूट दे दिया गया किस रूट से जाना है और सभी जो बसें जाएंगे पटवारी वगैरह इधर देखो ये मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, सभी बसों में ध्यान रखा जा रहा है, बसों में भी है ना डिस्टेंस के हिसाब से क्योंकि है ना जो नियम है पास है सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कि अगर 80 बस सीट है 60 लोगों की बात तो उसमें मनोज कुमार चतुर्वेदी दबंग न्यूज चैनल के लिए। दबंग न्यूज के लिए ग्वालियर चंबल संभाग ब्यूरो चीफ मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट।